हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गोविंद सिंह, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फ्रेंस पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फ्रेंस फॉर्म पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मार्क्स के टोटल 50 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस ये आज मैं कराऊंगा इस वीडियो में। 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस बार इसमें से कम आपके 10 क्वेश्चंस शॉर्ट जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे यूके बोर्ड में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं 8 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, क्योंकि 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो इसी PDF से आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चन हैं? तो पहला क्वेश्चन है, रदरफुर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए। देखिए, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के क्या क्या निष्कर्ष निकला। पहला निष्कर्ष कि यह पता चला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित होता है। दूसरा निष्कर्ष निकला कि जिस बिंदु पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और पॉजिटिव चार्ज निहित होता है उसको हम नाभिक कहते हैं। ठीक, तो दो ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं रदरफुर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में कि एक नाभिक की खोज हुई है और दूसरा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र पर निहित होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सिलिकॉन के किस प्रकार की अशुद्धियां मिलाने पर एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। तो देखिए, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें 5 संयोजकता वाले अशुद्धियों को मिलाया जाता है और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धियों को मिलाया जाता है। तो सिलिकॉन को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें टेट्रावेलेंट बैलेंसेस वाले अशुद्धियों को मिलाएंगे और एन टाइप बनाने के लिए उसमें पेंटावेलेंट अशुद्धियों को मिलाया जाता है। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नैंड गेट का लॉजिक चिन्ह बनाइए और इसका ट्रूथ टेबल देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नैंड गेट का हमारा सिंबल है और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉजिक गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो यहाँ पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कि किस प्रत्यावर्ती आवृत्ति पर 1 हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिघात और 1 माइक्रोफेरड धारिता का प्रतिघात बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू जगह 2π फॉर्मूला होता है f इक्वल टू 1/2π√LC। तो यहाँ पे L का वैल्यू रख देंगे आप 1 हेनरी और C का वैल्यू रख देंगे 1 माइक्रो फैरड और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2π × 10⁻³ हर्ट्ज इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग से विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पता चलता है या फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वास्तव में अस्तित्व में है। ठीक, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, धन किरणें क्या होती है। धन किरणें बेसिकली अल्फा कण है या अल्फा किरणें जो है वो धन किरणें होती है। नेक्स्ट 7, अनओमीय परिपथ क्या होता है। तो अनओमीय परिपथ वह परिपथ होती है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइए आंसर को और तुरंत इसको लर्न कर लीजिए। अनुमीय परिपथ वह परिपथ होती है जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं 8 नंबर, तो रेडियोएक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं। तो रेडियोएक्टिव विकिरण परमाणु के नाभिक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नाभिक से निकलता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश भाग के नाम लिखिए। देखिए, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश भाग इलेक्ट्रॉन होता है और अल्पसंख्यक आवेश भाग कोटर होता है। ठीक ना, जस्ट इसका अपोजिट होता है पी टाइप अर्धचालक में। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश भाग कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश भाग हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी माइनस, तो उस कुंडली से वध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर तथा उस कुंडली में फेरों की संख्या एन पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है। तो ध्रुवण से प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति के गुणों का पुष्टि होता है या गुणों का पता चलता है। मतलब ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है, तरंगे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन छूट गया, ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि नम लोहा लोहा चुंबकीय पदार्थ है और ये अपने में से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है, जिसके कारण मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र कुंडलियों से पास होता है जिससे ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डेविडसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है। तो डेविडसन जर्मर प्रयोग से डी ब्रॉगली या मैटर वेव की पुष्टि होती है, ठीक ना। पदार्थ कण या मैटर वेव्स जो है, मैटर वेव्स की जो पुष्टि है वो डेविडसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से पुष्टि होता है। और इसको मैटर वेव्स जो है द्रव्य विकिरण जो है वो दिया था हमारा डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस है उसको डेविडसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से उस बात की पुष्टि हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, संधि डायोड के अवक्षय परत पर अग्र तथा पश्च अभिनत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संधि डायोड के अवक्षय परत पर अग्र अभिनत में अवक्षय परत पतला हो जाता है, ठीक है ना, और पश्च अभिनत पर ये मोटा हो जाता है। नेक्स्ट लेंज का नियम सिंपल नियम है कि विद्युत धारा उसी किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा कुंडली से वध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट कह रहे कि भंवर धारा क्या होती है, जब किसी मेटल प्लेट पर या मेटल प्लेट से वध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस मेटल के प्लेट पर उत्पन्न प्रेरित धाराएं भंवर के समान होती है, इसलिए इसको हम भंवर धाराएं कहते हैं। कांच की प्लेट की फोकस दूरी तथा क्षमता बताइए। कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है और उसकी क्षमता जीरो होती है। तो याद रखना, कांच के समतल प्लेट की फोकस दूरी इनफाइनाइट तथा क्षमता जीरो होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर गेट का लॉजिक चिन्ह बनाइए और इसकी ट्रुथ टेबल लिखिए। तो यहाँ पे देखेंगे नॉर गेट जो है वो नॉट और का कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा नॉर गेट का साइन है। तो यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन तथा बामा श्रेणी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के किस श्रेणी में पड़ती है। तो लाइमन तथा बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है ना, दृश्य भाग में पड़ती है। मतलब लाइमन और बामर जो श्रेणियां हैं इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या इसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य क्षेत्र में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक गोलीय चालक का व्यास 1 मीटर है तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो गोलीय चालक की धारिता सी का फॉर्मूला होता है 4πε0r, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू कितना, 1, और 4πε0 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/9×10⁻¹, ठीक है ना, फैराड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक इलेक्ट्रॉन को विराम में इतना बोल्ट के विभव से त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध ज्ञात कीजिए। देखिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध लैम्डा इक्वल टू होता है 12.50/√V। तो V का वैल्यू हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.250 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा
1.250 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक का नाम लिखे। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक जो है वो भारी जल है, भारी जल जो है वो मंदक के रूप में काम करता है, या ग्रेफाइट का यूज भी मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंग को तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरक्त एक्स, गामा किरण, एक्स किरण एंड परावैगनिक किरण। तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेक्ट्रम के बेस पे आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को आप याद कर लीजिए उसके बढ़ते या घटते क्रम में। देखिए नेक्स्ट, जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बल इस प्रोपोर्शनल होता है 1/r2। अगर r को आधा कर देंगे तो r/2 का स्क्वायर, तो 1/4। तो f इस प्रोपोर्शनल टू जो 4/r का स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करने पर जो बल है वो हमारा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे कि एक आवेशित कण किसी समचुंबकीय क्षेत्र में तिरछे प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसे होगा। अगर तिरछे प्रवेश करेगा तो कण का पथ कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके का कुछ का पथ होगा, और इसको हम कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं? हेलिक्स पाथ कहते हैं। तो इसका जब पाथ है वो कैसा होगा? हेलिक्स कुंडलिनी होगा, हिंदी में कहेंगे कुंडलिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है। किसी समांतर संधारित के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्लेटों के मध्य उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो विस्थापन धारा बेसिकली विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से जनरेट होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर चुंबकीय बल कितना होगा। इस पर चुंबकीय बल 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और कोई आवेश नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र पर इसके अंदर कोई बल नहीं लगेगा। किसी यंत्र की विभेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो किसी यंत्र की विभेदन क्षमता किसी पास में रखी दो वस्तुओं में विभेद करने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट 29, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, और 2 प्रोटॉन के बराबर 3.2×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज एक अल्फा पार्टिकल पर होते हैं। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे नोट करते जाइए साथ साथ में। देखिए नेक्स्ट है 30, एक्स किरणों पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए एक्स किरणें जो है हमारा क्या है, एक्स किरणें बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन है। ठीक ना, तो यहाँ पे देख लेना कि इस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, डेविएट होगा, या तो अपने पथ से विचलित होगा या सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। देखिए नेक्स्ट है, एक फोटोन की गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो एक फोटोन का गतिज द्रव्यमान होता है m=m₀/1-v²/c²। ये तो होता है इसका गतिज द्रव्यमान, या गतिक द्रव्यमान भी कहते हैं, और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्योंकि विराम की अवस्था में फोटोन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो इसलिए इसका द्रव्यमान 0 होता है। नेक्स्ट है, वाटिन धारा को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटिन धारा वह धारा होती है जिसके द्वारा परिपथ में शक्ति व्यय शून्य हो। किसी परिपथ में प्रवाहित वह धारा जिसके कारण परिपथ में शक्ति व्यय शून्य हो, ऐसी धारा को हम वाटिन धारा कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप बुक में भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैलास का नियम। तो देखिए मैलास का नियम ठीक ना, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
तो ये इसका डेफिनेशन है। मैथमेटिकली लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। देखिए 100 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इसके लिए सिंपली हम यूज़ करेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी इक्वल टू यूज़ करेंगे रूट ऑफ 2 KM। ठीक, इस वाले फॉर्मूले से हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क। तो देखिए सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला क्या, उसका ना आर एन जो है वो एन स्क्वायर ऑफ आर वन होता है। तो एन स्क्वायर द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, एन इक्वल टू 2 × 4 × 0.53। देखो 4 × 12 = 2 ऐसे लगा, 1 20 और 1 21, तो 2.13 एंगस्ट्रॉम ये हो जाएगा इसके आर टू, मतलब द्वितीय कक्षा की त्रिज्या। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 36। कह रहे कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय क्रोड को पटलित बनाकर किया जा सकता है, तथा क्रोड के अंदर, ठीक ना, या नम लोहे की जो क्रोड जो है वो नम लोहे की बनाई जानी चाहिए। तो सिंपल मतलब ऊर्जा ह्रास को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो एक आप लाइन लिखना बस कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के ह्रास को या ऊर्जा ह्रास को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहे कि एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए तथा इसकी सत्यता सारणी लिखिए। देखिए एंड गेट की सिंपली आपको पता है एंड गेट क्या होता है, इस तरीके का गेट बनता है एंड गेट, यहाँ पे 2 इनपुट होता है, यहाँ से आपका आउटपुट होता है, ठीक ना। इसका सत्यता सारणी लिखेंगे, बुक में आपको मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट है 38। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी कुछ रेखा दृश्य क्षेत्र में आती है, बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश की श्रेणी में या क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट 39। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा इन दोनों के समान है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन रूट ऑफ 2 KM, क्या जाएगा 2 KM। अब यहाँ पे देखेंगे तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, इसका मतलब √m अगर छोटा है ये या m बड़ा है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो इसके लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका तरंग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, और इलेक्ट्रॉन का लैम्डा जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास किस तरीके से कम किया जा सकता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसको छोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। कह रहे कि इतना एंगस्ट्रॉम का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसकी स्पीड सी इक्वल टू जाता है न्यू इंटू लैम्डा, तो यहाँ से न्यू इक्वल टू जो सी अपॉन लैम्डा, तो 3 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻¹ का 10 ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये अब जब ये प्लस का हो जाएगा तो 3 × 10⁻¹⁸ हर्ट्ज हो जाएगा, ये इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। देखिए नेक्स्ट आते हैं, किस परिस्थिति में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल शून्य हो सकता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल तभी शून्य हो सकता है जब थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, मतलब यदि
गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में गति करे तो उस पर आरोपित बल शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है और व्यतिकरण करती है तो तरंगों के आयाम का अनुपात कितना होगा। तो आयाम का अनुपात देखिए A1/A2 इक्वल टू जो रूट ऑफ I1/I2, तो इसका तीव्रताओं का अनुपात इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3:1, तो 3:1 का अनुपात होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु से क्या अभिप्राय है। तो किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु का मतलब है कि वह समय जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा उसकी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी कुछ रेखाएं दृश्य क्षेत्र में आती है, बामर श्रेणी। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ब्रूस्टर के नियम को लिखिए। देखिए ब्रूस्टर का जो नियम है उसकी डेफिनेशन क्या, देखिए इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण की स्पर्शजया के बराबर होती है, अर्थात N=tan IP। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण IP का स्पर्शजया के बराबर होता है। तो ये हमारा ब्रूस्टर का नियम है। अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक लिखिए। देखिए अनुनाद आवृत्ति के लिए जो व्यंजक है F0=1/2π√LC, ये इसका फॉर्मूला होता है, 1/√F=1/2π√LC। नेक्स्ट सम न्यूट्रिनिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए सम न्यूट्रिनिक वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एक एग्जांपल आप देख लेना। 49, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का चित्र बनता है एक इस तरीके से, ये जेड एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे नीचे मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसके अपोजिट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके अपोजिट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डायग्राम देख लेना, इस तरीके से आपका एक डायग्राम बनता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चल कुंडली धारामापी में नाल चुंबकों के ध्रुव अवतल बेलनाकार क्यों होते हैं, मतलब अवतलाकार क्यों होते हैं। जो चल कुंडली धारामापी है उसमें जो नाल चुंबक हैं उसमें उसका तल जो है वो अवतलाकार इसलिए होता है ताकि एरिया वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोण हमेशा 90° का रहे और उस पर लगने वाला जो बलागुण है टाउ ये मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, वह कोण जिस पर किसी माध्यम में आपतित, या ऐसे लिख सकते हैं क्रांतिक कोण की डेफिनेशन, वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90° का हो जाए, या ऐसे लिखते हैं वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित कोण 90° का हो जाए उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और 101% यही क्वेश्चंस, इसी में से कोई क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे क्वेश्चंस को एक बार आप 15 से 20 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए इजीली। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके 8 मार्क्स कन्फर्म हैं, कहीं नहीं गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ PDF डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। और आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।